हैं आप सभी। दोस्तों, हर चीज खाने का नुकसान भी होता है और फायदे भी होते हैं, लेकिन आज हम यहाँ बात करने वाले हैं बादाम की। जी हाँ, गर्मी में बादाम का सेवन सेहत के लिए बेहद लाभकारी होता है। इसमें सवाल उठता है कि आखिर बादाम को किस तरह से खाया जाए कि वो शरीर को सबसे ज्यादा फायदा पहुँचाए। बादाम में ढेरों पोषक तत्व पाए जाते हैं जो कि शरीर को हेल्दी रखने में मदद करते हैं। इसमें प्रोटीन, विटामिन, ओमेगा 3 समेत ढेरों तत्व पाए जाते हैं। हेल्थ एक्सपर्ट बादाम को भिगोकर खाने की सलाह देते हैं। इससे बादाम की तासीर बदल जाती है और इसके गुणों में इजाफा होता है। आइए जानते हैं भीगे बादाम खाने के बड़े फायदों के बारे में। भीगे हुए बादाम में फाइबर की मात्रा अधिक होती है जो पाचन क्रिया को सुचारू रूप से बनाए रखने में मददगार है। ये कब्ज को दूर करने और पाचन तंत्र को स्वस्थ रखने में सहायक हो सकती है। बादाम में मोनो अनसैचुरेटेड वसा और एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो हृदय स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होते हैं। वो खराब कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करने और अच्छे कोलेस्ट्रॉल के स्तर को बढ़ाने में मदद कर सकते हैं, जिससे हृदय रोग का खतरा कम होता है। भीगे हुए बादाम में फाइबर और प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है जो रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करने में मदद कर सकते हैं। ये मधुमेह यानी कि डायबिटीज वाले लोगों या डायबिटीज के खतरे वाले लोगों के लिए फायदेमंद हो सकता है। भीगे हुए बादाम में कैलोरी और वसा कम होता है, लेकिन प्रोटीन और फाइबर अधिक होता है जो आपको लंबे समय तक भरा हुआ महसूस करा सकता है और भूख को कम करने में मदद कर सकता है। ये वजन घटाने या स्वस्थ वजन बनाए रखने में आपकी मदद करता है। बादाम विटामिन ई और मैग्नीशियम से भरपूर होते हैं जो दिमाग के लिए महत्वपूर्ण पोषक तत्व है। यानी कि अगर आपको दिल भी दुरुस्त रखना है और दिमाग भी दुरुस्त रखना है तो आपको बादाम का सेवन करना चाहिए। जैसे कि कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी स्मृति यानी कि हमारी याददाश्त जो है सही रखने के लिए भी बादाम बहुत मददगार है। यानी कि वो एकाग्रता बना के रखता है। कोई काम अगर आप करना चाहते हैं लगातार कई घंटों तक आपको करना है तो आप उसके बीच बीच में बादाम खा सकते हैं। यानी कि दो दो बादाम आप अपने मुंह में रखते रहें। जैसे कि आप काम कर रहे हैं तो आप बादाम खाते रहें, दिल भी तेज होगा, दिमाग भी तेज होगा और आपके पाचन संबंधी प्रॉब्लम भी नहीं होगी। लेकिन एक बात आपको ध्यान रखना है कि अगर आप अपनी मानसिक स्थिति को ठीक रखना चाहते हैं तो बादाम को ज्यादा मात्रा में भी आपको नहीं खाना है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि एक साथ ही 20-20, 25-25 बादाम खाना शुरू कर देते हैं। इससे क्या है, संतुलन बॉडी का बिगड़ सकता है। तो कोई भी चीज़ अगर आप खा रहे हैं तो उसकी मात्रा सही होना चाहिए, उसका वक्त सही होना चाहिए और किस समय पर आप उस चीज़ को खा रहे हैं उससे बहुत असर पड़ता है बॉडी पर। तो उम्मीद करते हैं आपको बादाम की ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी कि बादाम आपके लिए कितना फ़ायदेमंद है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें।